भड़का गांव की दो तस्वीर आती है। जब भी हम भड़का गांव के बात कर रही है, जब हम भड़का गांव के चर्चा कर रही है, तो भड़का गांव के दो को तस्वीर सामने आवा है। एक भड़का गांव जहां हरा हरा खेत, जहां धान गेहूं और गन्ना के फसल, और एक भड़का गांव जहां विस्थापन। आज वह भड़का गांव की धरती में तोनी बीच उपस्थित जितना भी माए मौसी काकी बेटी हमारे अभिभावक नौजवान संगी साथी हमने पार्टी के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण यहाँ के मीडिया हाउस के तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुगण आज इस कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात स्थानीय थाना प्रभारी उनके तमाम सिपाही कर्मीगण आज भड़का गांव के जब बात आवा है तो बड़ी मन व्यथित रह जा है। 24 साल के झारखंड राज्य बड़ी हर्ष बड़ी संघर्ष बड़ी उम्मीद बड़ी हर्ष और बड़ी संघर्ष के बाद हमने झारखंड राज्य के बढ़वा लगे। इस राज्य के अलग करे में हमने बात करा कभी इस बात के बड़का गांव या पूरा झारखंड हमने के बाद अरे दे दो यार पास करा तो काय चला गई। हेलो हेलो अरे कभी बोलते बोलते रुक जाओ कभी करिए रुक रुक हेलो अरे माइक को पास कराने हेलो अजय आवाज हेलो हेलो तो आज झारखंड राज्य बनवे में हमने बाप दादा कभी ना सोच रहे कि जब मानुष के मोड़ी लगाए कि मुर्गी चिन्ना के गर्दन लगाए। जब जरूरत पड़ रही जहां जरूरत पड़ रही हमने अपनी गर्दन काट के राय करी। चाहे बड़का गांव रहे मांडू रहे विशुकर रहे चाहे गोमिया रहे रामगढ़ रहे या कोई क्षेत्र रहे जब झारखंड राज्य अलग करे के लड़ाई चला हलाय कभी हमने बाप दादा इस बात के ना सुतलाय कि इंसान के गर्दन लगाए कि मुर्गी चन्ना के गर्दन लगाए। जब जरूरत पड़ रही हमने काट के राय करी कहे कि झारखंड राज्य में अलग करना है कहे कि एक उम्मीद हम एक आशा हम कि झारखंड राज्य के जब अलग करवाए तो झारखंड के जनमानस के हक मिल गए झारखंड के जनमानस के ऊपर अधिकार मिलता है झारखंड के जनमानस के न्याय मिलता है। लेकिन आज 24 साल भाई गए झारखंड राज्य के बनल आज 24 साल भाई गए लेकिन आज भी तो जहां से नजर उठे भी जहां तक तो नजर दौड़ते आज भी ऐसा लग रहा है केवल हमने के नक्शा से काट के झारखंड राज्य मिलल है बाकी हक अधिकार आज भी प्रदेश के दो चार गो माफिया अपने मुट्ठी में सारा राज्य के हमने संपर्क। अगर बड़का गांव की बात कर जाए तो बड़का गांव यानी सभी जाना है NTPC बड़का गांव यानी त्रिवेणी बड़का गांव यानी CCL बड़का गांव यानी अडानी बड़का गांव यानी फैक्ट्री बड़का गांव यानी कोलियरी बड़का गांव यानी कोयला। लेकिन आज झारखंड के आदमी कहा आज 2 साल से गोंदलपुरा में लोग 2 साल से धरना में बैठा है कि हम जान देंगे जमीन भी नहीं। आज 2 साल से आपने धरना में बैठा है
बताइए कैसा लोकतांत्रिक भारत। मैं मीडिया बंधु आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक आवाज भेजना चाहता हूँ, ये कैसा लोकतंत्र हमने बनाया है, ये कैसा गांधी का देश हमने बनाया है, ये कैसा संवैधानिक देश हमने बनाया है। इस देश के किसानों को अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए 2 वर्षों से धरने पर बैठना पड़ा। आज बजरपुरा गांव के लोग 2 सालों से लगातार लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनी आज भारत के भले इंसान के रूप में, लेकिन भारत का भगवान ही भाई अडानी की कंपनी है। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के बहुत प्यारे लाडले दुलारे की कंपनी है। ये कैसा भारत आपने बनाया कि आप एक व्यक्ति के हाथों में भारत की सारी शक्ति देना चाहते हैं। इसलिए आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बड़का गांव की समस्या को पूरे देश तक पहुंचाना चाहता हूं। हम 2 वर्षों से धरना पर बैठे, अगर लोकतांत्रिक भारत में लोग 2 वर्षों से धरना पर बैठेंगे तो हमें लगता है भारत के लोकतंत्र होने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है। क्या भारत ऐसा ही लोकतांत्रिक देश होना चाहिए? क्या यही गांधी का देश होना चाहिए? यही गांधी का देश? अरे भाई जमीन हमारी है, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, आइए स्वागत है, जमीन चाहिए आइए स्वागत है, लेकिन सर पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी बराबर में होगी हिस्सेदार। सर तुम्हें जमीन लीजिए, जब तक फैक्ट्री रहेगी, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक रैयत के पास नौकरी होनी चाहिए। आज एक बात बताया जाए, एक बात पूछो ये टोनी से, आज अगर अडानी इस कंपनी के मालिक है तो 20 साल बाद इस कंपनी के मालिक क्या रहता है? मिथिलेश दा रहता है कि अधिकांश दा रहता है? अगर बेटा रहता है, रहता है ना, यानी 20 साल बाद भी अडानी कंपनी के मालिक अगर बेटा रहता है, अगला 20 साल बाद अगर मालिक क्या रहता है? भाई रवि हम रह गए, ओकर बेटवा के बेटा रहते ना। तो जब एक अडानी जो गुजरात से चल के आए बड़का गांव, एक अडानी जो गुजरात से चल के आया है बड़का गांव, और बड़का गांव में वो फैक्ट्री लगा रहा है अडानी प्राइवेट लिमिटेड, और 40 साल के बाद भी उसी का नाती जमीन का मालिक है, तो बड़का गांव मेरा है, अगर हम जमीन लेंगे तो मालिकाना शर्तों पे। अरे भाई जिसका यह कुछ नहीं, अडानी गुजरात का है, टाटा तो विदेशी है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन टाटा के पास है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें टाटा खुद विदेशी है, फारसी है कि पारसी है? अरे भाई आप विदेशी आदमी का मालिक है, गुजरात का आदमी बड़का गांव में मालिक बनकर रहेगा, तो जमीन हमारी है। इस जमीन पर हमने 2000 सालों से, इस जमीन पर हमने 4000 सालों से जोता है, कोड़ा है, इस जमीन में हम मालिकाना शर्त पे लेंगे। ये गलत बोले हो? देख ले एक बात साफ साफ बोलबो, बड़का गांव के लोग माए मौसी काकी जेठी सबके एक बात बोलबो, बड़का गांव के तमाम जनता के एक बात साफ साफ बोलबो कि जमीन की लड़ाई चाहे सामने वाला सिकंदर लगे, चाहे चंगेज खान है सामने वाला, चाहे सामने वाला अडानी लगाए, चाहे सामने वाला एनटीपीसी लगाए, चाहे सामने वाला साक्षात भगवान लगाए, जमीन की लड़ाई से कोई समझौता नहीं, जमीन के अधिकार से कोई समझौता नहीं। अरे भगवान का नाम ले दर्शन बात रहा है कि हमने भगवान के विरोधी भाई गई बतिया पूरा सुन, अरे शिव भगवान के कोई तपस्या करा ले ना तो लड़ के वरदान ले लेना भक्त, यानी हाथ भगवान से भी लोग लड़ के लेते तो ठीक उसी प्रकार जमीन की लड़ाई अडानी रहे सिकंदर रहे चाहे साक्षात भगवान रहे, जमीन की लड़ाई में कोई समझौता नहीं, जमीन की लड़ाई में कोई समझौता नहीं। कहे कि एक बात बोला यो दादा कंट्रोल मां खुशी काके देखी सब कंट्रोल सब दर। एक बात बताओ केरे दाढ़ी में भी सवाल पूछा ले हियो दोबारा पूछा यो ये कितना जाना जकर नाम जकर घर राशन कार्ड हो,
अरे लाजा हक के लिए आज हम खड़ा कर बोले हमारे मैया के लजो मत, हमारे मैयों के राशन कार्ड है, हम हाथ खड़ा कर रहे राशन कार्ड राशन कार्ड सबके यहाँ लगभग लगभग हो ना। राशन कार्ड के बदले में की मिलो, 5 किलो के चार, 5 किलो चार मिलो। बहुत ध्यान से बात सुनियो दादी, कौन से पूछे हो? आज से 15-20 साल पहले अगर हमी के दुनिया में कोई आवा है ना मांगे ले, कोई साधु, कोई पीर फकीर, कोई साधु संत, कोई बैरागी, कोई महात्मा, अगर हमी के दुनिया में मांगे भले आज समझ में ना आवे, आज हाथ में मोबाइल हो, इंस्टाग्राम हो, फिल्टर हो, भले आज समझ में ना आया हमें बतिया, लेकिन 20 साल बाद फिर रियलाइज भाई 20 साल पहले है हमार मौसी, है हमार नानी, है हमार काकी, है हमार जेठी, है हमार फुफैया सुखुआ में निकाल के पोछड़ के चोरा दान में दे रहे, और हमारा बुझे रोज दो ना दूगा अपने आवाज रोज में तो सप्ताह में दूबा जरूर आवा है कि नहीं, यानी सप्ताह में 2-3 बार हमार मैया, हमार मौसी है, हमार जेठी है, हमार काकी है, हमार फुफैया सुखुआ में दान दे 5 किलो चोरा, और आज हमने कितना लाचार बेबस भाई गल कि 5 किलो चोरा खातिर दिन भर कोटा में देखे लाइन गलत बोला हो। तो आज अगर जमीन के लड़ाई छोड़ दल तो याद रखा 20 साल बाद की तो मालूम हो गुलगुलिया देखा ला गुलगुलिया बुझा हा रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में देखे था बा वो बेचारा के घर नाय दुआर नाय गांव नाय समाज नाय एगो तिरपाल टांगले है और ओकरे है थे गर्मी ओकरे है थे बरसा ओकरे है थे सर्दी। अब एक बात बताओ कि गुलगुलिया की गाचे खेड़वा से जन्म भेल है मैया कोंक से ही ओकरो जन्म भेल ओकरो कोई मैया जन्म देल है लेकिन आज देश में बड़का गांव में विस्थापित भय रहा है उसी प्रकार अगर गांव विस्थापित कर आज वो गुलगुलिया बन के है आज मांगा है चांदा है खा है और नाय को ना मिला है तखन बौक गिला के कौआ गिला के मार के बना के खा है खा के तो हमने की चाह तो हमने की चाह कि हमार बाप दादा के सारा संपत्ति लुटाई के हमने गुलगुलिया बन के जीवन यापन करवाए नहीं ना तो अगर खातिर रास्ता हो संघर्ष के मिल जुल के संघर्ष करे है तो जैसे गोंदलपुरा के लोग आज 2 साल से धरना में बैठले है लेकिन हार में मान ले मिल जुल के संघर्ष करे है तो लड़े है तो अपन अधिकार के आंदोलन करे है तो और नहीं तो एक बार अपन बीच से बेहतर नेतृत्व चुन के रांची और दिल्ली पठवे के काम करा सरकार बनवे के काम करा सारा समस्या के समाधान दो कि गलत बोला यो बहुत बोया के तरह बोलता हो कि लड़का भड़काऊ भाषण बोलता है ये लड़का मारने पीटने का बात करता है एक बात बताइए मेरा बाप का जमीन लीजिएगा हमको लात मार के भगाइएगा हमको गांव से विस्थापित कीजिएगा तो मारने का नहीं सके चुमा लेने का बात करें हाँ को चुमा ले बात की पर बाप के जमीन नहीं ले लो तो हिस्सा के नौकरी ले ले लो और ले लो ना धमकाए के केस मुकदमा में फंसाए के लाठी मार के ले लो तो भी चुमा लिए बात होना चाहे देखा हमार बोली हटे हो अगर बेस लागो है तो सपोर्ट करिया नहीं लागो तो नहीं करिया हमार बोली हटे हो जो गलत करो अपना चुमा लेके थोड़ी बात कर दो ओकर से है रो अपना बाप रहते और एक बात बोल दो आज झारखंड कितना मेहनत से बन लाए आज झारखंड के कितना संघर्ष से बन लाए लेकिन आज देख ले हमने के हिस्सा प्रदेश के आदमी और प्रदेश के लोग ना है माफिया अरे लोग आवे तो हिस्सा हमने ऐसे 2-4 लोग के खिलाए दिए ऐसे 2-4 लोग के दान कर दिए माफिया गुंडा यहाँ आए के करोड़ों रुपया लूट के ले जाते यानी हमार फसल और काटे वाला कोई ओ इसलिए बात बोलवो बड़का गांव के धरती में यदि तो अपन फसल बचने चाहे हैं यदि तो अपन जोतल अपन रोपल अपन अर्जल धान के
गेहूं के फसल बचवे पहुंचे हैं चोर गोरू से, तपन घर से सांड पैदा कर चोर गोरू के रगड़ के बाहर कर देते। बड़का गांव के फसल तोर लगो तोर बाप के लगो, तोर बप्पा जोतल हो, तोर बप्पा कोड़ल हो, तोर मैया रोपल हो, तोर मैया काटल हो, तोर बप्पे मैया मिल के धनवा अर्जल हो। आज तोर अर्जल बाद कोई चोर गोरू अगर खाए रहल हो तो ये बेटा के साथ पैदा कर जोकर भतिया भसका है कि यहाँ से बाहर के तक। भले हमार बात कड़वा लागो हमार बोलिया, भले हमार बात बोले में लागत तो खराब सुने में, लेकिन बात हम 100% सही बोले। तोर राज आर पता कर एनटीपीसी में करोड़ों के कमेलो, पटना के ठेकेदार, छपरा के ठेकेदार, हैदराबाद के ठेकेदार, गुजरात के ठेकेदार, एक रुपया ना हजारों करोड़ रुपया कमाए के चल गए। क्योंकि हम गलत बोल रहा लियो सह करके बोल लियो ना, अगर ये वो सार रहते हो ना तो आसमान से उड़ के ना आवे ठेकेदार हुआ ना मूसा लगे की मटिया तरह तरह मटिया कबड़ कबड़ के आवा तो रोडवे में चल के आवा। अगर सार अगर खराब हो निकले ना तो पॉइंट में छर 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 एक नंबर कर ले करतलो कि ना। अरे हवा में उड़ के एरोप्लेन से ना आवे ठेकेदार यहाँ, वो मैनेजर हवा में उड़ के ना आवा, आवा की आवे की से खतरा तो हमने के कहबो। आज हमें पीएचडी के छात्र लगे, कल ही रात हमारे मैडम के फोन ले कि तुमको एक सप्ताह का समय देते हैं अपना तीसरा सबमिशन का पेपर रिपोर्ट तैयार करो, यानी 7 दिन के बाद है सकल है हम थर्ड एनुअल रिपोर्ट के टाइम लगे। एक पीएचडी के छात्र यानी प्रोफेसर बने के स्कोप, प्रोफेसर यानी टीचर से ऊपर लेवल, लेकिन आज हमारे भाषा सुन लेके सर और हम आज हमारे मुंह से बेरे निकल रहा है, जबकि हमें 7 साल किधर के पढ़वा लिए, हम 4 साल अपन गांव के हाई स्कूल में पढ़वा लिए, हम 2 साल बड़ास्थली में पढ़वा लिए, हम 1 साल शिशु मंदिर में पढ़वा लिए और तीसम तो 15 साल से पढ़वा लिए, आज 7 साल हम कंटिन्यू स्कूल में पढ़वा लिए सरकारी स्कूल में। हाँ इतना हम चिट्ठी लिख के कि हम किसी प्रकार का भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे, सरकारी स्कूल में हम चिट्ठी लिख के 4 साल सेवा दे लिए एजुकेशन में, लेकिन आज हमारे बोली बे और रे निकला है, कहे न 2 साल से खाली झारखंड घोर घोर के, झारखंड के देख देख के, झारखंड के आदमी के दुर्दशा देख देख के हमार खूनिया पिताए गए, हमार खूनिया बिसाए गए भाई। सही कह रही हमार बोली ना लगे, आज तक हमें अपन गांव में पूछ लिया बहुत बढ़िया किधर रही, बस हमारा फुटबॉल के खेल से मतलब है क्रिकेट से और ऐसी बम बस बुमेला बस में बैठ के कॉलेज जा लिया घर आवा लिए और अलग हमने दुनियादारी कुछ ना हमने बेर ये भी दोस्ती यारी में करा लिया कि पब्लिक में हमने डर करा लिया कि बेर ये कर भी काका जैसे सुन ले तो की बोल दो गाँव के कोई बड़े बुजुर्ग सुन ले तो कि बाबू सब ने बेर ये बोला होते तो की सोच दो तो हमने डर से बेर ये भी नहीं बोला, लेकिन आज हमारे बोली जब मीडिया के सामने बोलो है लाखों पब्लिक के सामने बोलो है चाहे न 2 साल से झारखंड के लोग के दर दर तकलीफ देख देख के सही में हमारे खुनिया एकदम बिसाई गई। इसलिए आज धोनी के साथ साथ कहो कि अपन हक के लड़ाई एकदम नहीं छोड़ना, सामने वाला कोई रहे कोई रहे एनटीपीसी रहे चाहे त्रिवेणी रहे चाहे अडानी पावर प्लांट रहे लिमिटेड रहे, एक लाइन साफ साफ बोल दिया कि जमीन लेने से परहेज नहीं है लेकिन जमीन हम शर्त पे देंगे। जमीन हम शर्त पे देंगे, शर्त क्या रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी का, शर्त क्या रहेगा जमीन लीज देंगे अस्थाई नहीं देंगे। गुजरात का आदमी का जमीन नहीं है, गुजरात का आदमी का जमीन नहीं है, आपका बाप का जमीन है, जमीन हमेशा के लिए नहीं देंगे, लीज में देंगे, शर्त में देंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देने के एग्रीमेंट में देंगे, मुआवजा के नाम में देंगे, मुआवजा मार्केट रेट का मुआवजा। आज कहीं 8,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है, कहीं 3,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है, बताओ तो मैया मौसी 3,000 में हमारा रोजा महीना दिन में थोड़ी शैम्पू सिराए दें, 3,000 में थोड़ी महीना दिन में शैम्पू सिराए दें, गलत बोले की और बताओ बाप के जमीन मांग रहा लो कंपनी 3,000 रुपया डिसमिल, 8,000 रुपया डिसमिल, 12,000 रुपया डिसमिल, 18,000 रुपया डिसमिल, ठीक है हम जमीन 1,000 डिसमिल देने के लिए तैयार, लेकिन सर
हमको भारत देश के किसी कोने में 1000 रुपया में दोबारा जमीन खरीद सके, तब देंगे। हम इस भारत देश के किसी कोने में जब दोबारा जमीन खरीद सके उसी रेट में, तब हम जमीन लेंगे भैया। ये तो ये अन्याय है, ये गांधी के देश में सीधा गांधी की हत्या, मैंने हत्या है, उसके विचारों की हत्या है। कि आपने जमीन ले ली हमसे 8000 रुपया डिसमिल, और जब हम जमीन खरीदने बड़का गांव का मार्केट गए तो पता चला वहां 1.5 लाख रुपया डिसमिल। तो क्या करें हम, गुलगुलिया बन जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछूंगा, अडानी उनके बहुत प्रिय है और उनके लिए पूरी हजारीबाग की पुलिस गंगलपुरा में लेके आ जाती है, मैं उन्हीं से सवाल मीडिया के माध्यम से करूंगा, ये कैसा गांधी का देश है भाई, ये कैसा गांधी का देश है, ये कैसा लोकतांत्रिक देश है। आप अगर हमारी जमीन 8000 में लेते हैं तो बदले में 8000 में हमको उसी 10 किलोमीटर के दायरे में अगर हम कहीं भी जमीन खरीदते हैं तो जमीन का रेट 8000 ही होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं नौजवानों? आपके बाप का जमीन आज कोई भी कंपनी 8000 रुपया 10000 रुपया डिसमिल ले रही है। क्या आपका जिला हजारीबाग है? आप हजारीबाग सदर में 8000 में जमीन खरीद पाएंगे, खरीद पाएंगे? अरे आप एगो कदम रखेंगे ना, उतना भी जमीन नहीं होगा 8000 में, 8000 में 1 डिसमिल जमीन नहीं होगा, एक कदम रखेंगे उतना जमीन नहीं होगा 8000 में दोबारा। इसलिए और ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है, यही हजारीबाग के जो अभी वर्तमान में सांसद है माननीय मनीष जायसवाल, देखिए जो बिजनेसमैन है उनको मतलब नहीं है देश से, बिजनेसमैन कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं, और खासकर जो पॉलिटिक्स में हो, अगर ईमानदार बिजनेसमैन हो तो चलेगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बिजनेस में आते हैं अपनी काली कमाई को ढकने के लिए। अगर कोई पॉलिटिशियन बिजनेस में हो, देखिए मुझे बिजनेसमैन से कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे व्यापार से आपत्ति है, लेकिन कोई नेता अगर व्यापारी है तो मुझे आपत्ति है। भारत माला प्रोजेक्ट कहां से गुजर रही थी मालूम है ना? जहां मनीष जायसवाल का 2 स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल पब्लिक स्कूल, मनीष जायसवाल ने फिर भी भिड़ाया और उसका रास्ता ही बदल दिया। इतनी ताकत एक लीडर में होती है, लेकिन उस लीडर ने ताकत का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए, मनीष जायसवाल ने अपने ताकत का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। अगर वही अगर उनका जमीन नहीं होता तो भारत माला आज शायद दिल्ली पब्लिक स्कूल और एंजल पब्लिक स्कूल के बीच से होकर जाता, वही उसका रूट बना था। लेकिन मनीष जायसवाल उस शख्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस रास्ते को ही बदलने का काम किया। तो मेरे इस बात के कहने का मतलब है कि लीडर बहुत पावरफुल होता है, लोकतांत्रिक देश में एक लीडर का कद होता है। अगर हम एक अच्छा लीडर चुनेंगे जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होंगे, जो विस्थापित को मुद्दों के साथ खड़ा होंगे, लड़ेंगे, तो हमें लगता है झारखंड एक बेहतर झारखंड बनके। आज हमने झारखंड आज विधायक बनेंगे, बड़का गांव का विधायक रहे चाहे मंडू का रहे, हमने झारखंड आज इसलिए बनाया है कि यहाँ के जनता के हक अधिकार के साथ कोई धोखाधड़ी ना। यदि हमने जमीन दिया है उस जमीन का हमको मार्केट के तय आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम दोबारा जमीन खरीद सकें। इसलिए ग्रामीणों आपको एकजुट रहना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, और साथ ही साथ आपके बीच जो दलाल हैं, ब्रोकर हैं, उनको भी पहचानना होगा। आपके बीच में ही दलाल लोग होंगे, आपके बीच में ही आपके गांव में ब्रोकर लोग होंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। तितिर बेचे वाला लोकल है, तितिर बुझा ना, तो मार्केट में तितिर बेचे के काम करा लो पनिया धीरे। अब बिहार से 2 बार रोटी कितना कितनी